गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं। On September 5th, 2024, Prime Minister Narendra Modi was warmly welcomed at the Parliament House of Singapore. This visit came shortly after a ministerial roundtable meeting between India and Singapore, which included 4 Indian ministers and 6 Singaporean ministers. During his visit, PM Modi held talks with Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. In his address, Modi expressed a strong desire to emulate Singapore's success in India. Excellency, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। He congratulated Wong on his new role and praised Singapore as a model for development. Prime Minister Narendra Modi highlighted the ministerial roundtable as a groundbreaking step in enhancing cooperation between the two countries. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.